नवोदय विद्यालय समिति में अगर यहाँ पर मैं बात करूँ स्टेनोग्राफर के बारे में, जी हाँ, स्टेनोग्राफर का 21 वैकेंसी जो है 2021-22 के रिक्रूटमेंट में नवोदय विद्यालय की तरफ से आपका आया हुआ था। लगभग 28 के करीब वैकेंसी आया हुआ था, तो इसी हिसाब से 23 के करीब वैकेंसी इस साल 2024 में भी आपका आया हुआ है। यहाँ पर अगर मैं बात कर लूँ कि प्रीवियस ईयर फाइनल कट ऑफ के बारे में, तो अभी हाल ही में नवोदय ने फाइनल कट ऑफ रिलीज करी हुई है, क्योंकि ये जो पूरा एग्ज़ाम है ये कहीं ना कहीं आपका पूरा 2021-22 का कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पे आप सभी कट ऑफ देख सकते हो कि यहाँ पर अनरिजल्ट कैटेगरी के जो कट ऑफ है वो आपकी 106 आपकी गई हुई है, और जितने भी कैंडिडेट जो कहीं ना कहीं पास हुए हैं वो जनरल कैटेगरी में ही सिर्फ पास हुए हैं, क्योंकि EWS कैटेगरी में कोई भी कैंडिडेट अवेलेबल नहीं है, क्योंकि EWS कैटेगरी में भी आपका जो वैकेंसी है वो आपका था, ठीक है, लेकिन यहाँ पर कोई भी कैंडिडेट आपका पास नहीं हुआ है। अगर OBC की बात करें नॉन क्रीमी लेयर की, तो OBC नॉन क्रीमी लेयर में आप देख सकते हो 105 जो कट ऑफ है वो कहीं ना कहीं आप सभी का गया हुआ है। अगर हम इसके नीचे बात कर लें कि यहाँ पर SC कैटेगरी का, तो SC कैटेगरी में भी आपका कोई भी कैंडिडेट अवेलेबल नहीं है, और अगर मैं बात करूँ ST कैटेगरी में, तो ST कैटेगरी में भी कोई भी कैंडिडेट आपका अवेलेबल नहीं हुआ है। अगर मैं बात करूँ PWD में, यहाँ पर भी कोई भी कैंडिडेट अवेलेबल नहीं है, तो आप सभी देख सकते हो कि लास्ट ईयर ये जो एग्ज़ाम था वो आपका 130 में आपका हुआ था, और इतनी कट ऑफ गई हुई थी। और कहीं ना कहीं स्टेनोग्राफी में कई सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो कहीं ना कहीं एग्ज़ाम पास करने के बाद भी आप सभी के फेल हो गए, तो ऐसे में आपके लिए अभी ये इंपॉर्टेंट है कि अच्छे से स्टेनोग्राफी की तैयारी करो, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले EPFO का भी फॉर्म आया था, और उसमें भी आप देख सकते हो कि 185 वैकेंसी थी, जिनमें से फाइनल 63 ही बच्चा पास हुआ था। तो कितना इंपॉर्टेंट होता है स्टेनोग्राफी में पास होना, वो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो बाकी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो NVS की प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियोज़ आपको इससे रिलेटेड मिल